देखिए, एक दिव्यांग बीपीएससी शिक्षक को जिसको देखने वाला कोई अधिकारी नहीं है। बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कन्या सिरसिया में कार्यरत एक दिव्यांग शिक्षक जो बीपीएससी पास करके शिक्षक बना था, बड़ी अधिकारी ने इसे इस विद्यालय में प्रतिनियुक्ति कर दिया। जब ये इस विद्यालय में आते हैं तो रास्ता खराब रहने के कारण बहुत कठिनाई झेलकर विद्यालय पहुंचते हैं। अभी के समय में तो किसी तरह आ जाते हैं, परंतु वर्षा और बाढ़ के समय बहुत काफ़ी फजीहत झेलना पड़ता है इन्हें। जिस समस्या को उन्होंने प्रेस वाले को रूबरू कराकर अपनी परेशानी का इजहार व्यक्त किया है, वहीं स्कूल के बच्चे लोग दिव्यांग शिक्षक मुंशी कुमार को विद्यालय से डेरा पहुँचाने जाता है। बताते चले कि ये विभूतिपुर प्रखंड का रहने वाले हैं और इन्हें करे नदी किनारे सिरसिया स्कूल में प्रतिनियुक्त किया जा चुका है। ये चाह रहे हैं उस विद्यालय में प्रतिनियुक्ति किया जाए जहां सड़क अच्छी हो, जिससे ट्राईसाइकिल से आ जा सके। यहां ये विद्यालय नदी की ओर बांध के नीचे है और रास्ता इतना ख़राब है कि मेरा ये ट्राईसाइकिल मतलब 100 मीटर भी नहीं चल पाता, इससे हमें जाने आने में बहुत सारा प्रॉब्लम है और हमें लगभग घर से 40-50 किलोमीटर दूर दिया गया जो हम जा भी नहीं सकते, इतना प्रॉब्लम है। हम यहाँ आने में 100 मीटर आने के लिए 2-3-4 बच्चे जो हमको धकेल कर लाते हैं और ले जाते हैं। बाबू सरफराज पढ़ते हो? किस क्लास में? 5। कौन से विद्यालय में? आपके यहाँ एक शिक्षक हैं जो दिव्यांग हैं, उनका क्या स्थिति है? उसका बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग पहुँचा देते हैं। और तुम लोग पहुँचाते हो? क्यों?